नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में, मतलब ये जो सिचुएशन है हमारा, आगे डर लग रहा है सबको कि हो सकता है हमारे देश का जो पैंडेमिक सिचुएशन का हालत और ख़राब हो सकती है, तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आ सकती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है, मतलब संभावना जताई जा रही है कि मार्केट में ज़्यादातर गिरावट आने की संभावना है। कोई ये कह रहे हैं कि मार्केट में जो है तेज़ी आने की संभावना है, तो हर तरह का सेंटिमेंट अपना अपना है चल रहा है, तो ज्यादातर संभावना व्यक्त की जा रही है कि गिरावट आएगा। तो ऐसे में आप कौन सा स्टॉक जो है गिरावट जैसे आती है तो कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो स्टॉक का बिजनेस मतलब आगे ग्रो होने वाला है, मतलब जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे रिकवरी होगा आपको एक अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, तो उसी स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो स्टॉक आपको गिरावट वाले मार्केट में बाय करना चाहिए, ये 5 स्टॉक्स हैं और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम 5 ही स्टॉक्स आपको बता रहे हैं डिफरेंट सेक्टर से जो आप बाय कर सकते हैं गिरावट वाले मार्केट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, जिसे देख करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हैवेल्स इंडिया ने जो इन्वेस्टर के 10 साल में 10,000 रुपया को करोड़ों रुपया में कन्वर्ट किया है, कैसे मदरसन सुम्मी ने हमारे 10,000 रुपया को 1,39,00,000 में बदल दिया है, कैसे विप्रो ने 10,000 को 8 करोड़ में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे ऐसे जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो किस बेसिस पर, मतलब क्या उसके ऊपर लॉजिक था जो कि उतना बेहतर रिटर्न दिया है, तो ये सारी चीज़ें सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जा करके इन सारे वीडियोज़ को देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये 5 स्टॉक्स जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में आपको दिखाते हैं कि काफ़ी गिरावट आया था और उस देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी गिरावट 875 रुपया। अगर इस गिरावट में अगर आप यहाँ पर बाय करते 875 पे तो अभी आप देखिए कितना रिटर्न आपको प्राप्त होता, देख सकते हैं 84% का रिटर्न अभी तक में आपको प्राप्त हो जाता। तो समझ सकते हैं मात्र कितने दिनों में, मार्च से लेकर के अभी जून तक में। तो ऐसे स्टॉक्स जब भी आपको गिरावट वाले मार्केट में मिलता है तो आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। और रिलायंस जो है लगातार अपने डेब्ट को कम करने का कोशिश कर रहा है, 2021 तक ये 0 डेब्ट का प्लान है। तो ऐसे में अगर 0 डेब्ट रिलायंस का हो जाता है तो ये स्टॉक्स यहाँ से आपको दोगुने प्राइस पर दिख सकता है, मतलब 1600 के जगह पर आपको 3000 तक ये प्राइस जा सकता है अगर डेब्ट पूरी तरह से रिलायंस रिमूव कर देता है तो। चलिए हम रिलायंस के बैलेंस शीट को देख लेते हैं कितना डेब्ट है। तो देखते हैं मार्च 2020 अपडेट हो चुका है यहाँ पर मनी कंट्रोल पर, मनी कंट्रोल भी रिलायंस का ही वेबसाइट है तो समझ सकते हैं रिलायंस का ही। रिजर्व देखिए कितना है कंपनी के पास, 4,18,000 करोड़, तो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व है कंपनी के पास। सिक्योर्ड लोन देख लीजिए 2,30,000 करोड़। तो इस तरह से टोटल डेप्थ देख सकते हैं 2,30,000 करोड़ का टोटल डेप्थ है रिलायंस के ऊपर, 2,30,000 करोड़ का। उसके बाद यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस देखिएगा 8,443 करोड़ कैश और बैंक बैलेंस है रिलायंस के पास। तो ये बैलेंस शीट में जो 2,30,000 का करोड़ का जो डेब्ट है यही रिलायंस के लिए एक नेगेटिव बात है, उसी को लगातार कम करने की कोशिश कर रहा है रिलायंस। उसके बाद यहाँ से बुक वैल्यू देख सकते हैं, रिलायंस का बुक वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा है, पहले डिक्रीज किया था अब फिर से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है रिलायंस का बुक वैल्यू। देखना नेट करेंट एसेट नेगेटिव में है क्योंकि रिलायंस के ऊपर जो है डेब्ट बहुत ज़्यादा है। अगर रिलायंस डेब्ट को रिमूव करने में सफल रहा तो रिलायंस हमारे स्टॉक मार्केट की नंबर 1 कंपनी है और तब ये फिर हर क्षेत्र में नंबर 1 हो जाएगा। अगर किसी भी कंपनी का करेंट सिचुएशन देख रहा हो, आगे कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो आपको कैश फ्लो देखना चाहिए कि कंपनी के पास जो रेवेन्यू है, जो सेल्स है, उससे कैश जनरेट हो रहा है या नहीं, मतलब कंपनी के पास कैश आ रहा है या नहीं, तो इन सारे चीज़ों को देखना होता है। तो किसी फंडामेंटल के डिटेल वीडियो में हम सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं, कैसे मतलब प्रॉफिट लॉस रेशियो देख सकते हैं, हर चीज़ आपको हम दिखाएंगे अगले किसी वीडियो में जब एक किसी कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे।
उसके बाद अगला स्टॉक्स है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। ये एवेन्यू सुपरमार्ट का बिजनेस क्या है, ये रिटेल स्टोर चलाता है और एवेन्यू सुपरमार्ट अपनी लैंड पर मतलब जो सुपरमार्ट को बनाता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को सेल करता है, जिसके ऊपर बहुत सारी चार्जेज वो लेता है, साथ साथ प्रॉफिट भी लेता है सेल्स के प्रोडक्ट के सेल से, और प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखने का भी चार्ज लेता है कंपनियों से। तो बहुत सारे इसके रेवेन्यू मॉडल है जो कि हमने एक वीडियो में बताया है, तो आप हमारे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम वेरिएशन इसका चार्ट देखिएगा तो ये कंपनी कभी आपको गिरावट में मिले तो देखिए छोड़ने वाला है। इसका चार्ट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, 300% का रिटर्न अभी तक ये दे चुका है जब से लिस्ट हुआ है 2017 में, और यहाँ पर गिरावट आया था देख सकते हैं। 20 फरवरी को इसका प्राइस था लगभग 2462, वहाँ से गिरावट आकर के ये आया था 1900 रुपये के आसपास, यहाँ पर आपको बाय करने का ये मौका दिया था। उसके बाद ये शेयर फिर से कभी नीचे नहीं आया, तो जब भी आप इस पे मौका मिलता है तो ज़रूर बाय करें। देख सकते हैं ये एक महीने में भी फ्लैट रहा है, मतलब कोई निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, जबकि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में 50% 30% 20% का करेक्शन है। इसमें देख सकते हैं एक साल में भी ये आपको रिटर्न दे रहा है, एक साल में देख सकते हैं 85% का रिटर्न। तो समझ सकते हैं ऐसे स्टॉक जब भी आपको गिरावट मिलता है तो आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए। चलिए हम इसके बैलेंस शीट को देख लेते हैं, जो हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट का बैलेंस शीट है ये देखते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट मार्च 2020 तक अपडेट हो चुका है। रिजर्व देख लीजिए कंपनी के पास 10,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, देखते हैं रिजर्व कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा है, 10,000 करोड़ का रिजर्व है। उसके बाद नीचे आते हैं तो सिक्योर्ड लोन 246 करोड़, बहुत ही कम है क्योंकि कंपनी के पास एसेट बहुत ही ज़्यादा है, तो इतना बहुत ही कम डेप्ट है 246 करोड़, क्योंकि कंपनी जो है 10,000 करोड़ रिजर्व भी ही है इस कंपनी के पास, समझ सकते हैं इतना ज़्यादा रिजर्व है, तो उसमें से 246 करोड़ डेप्ट मामूली सा डेप्ट है इस कंपनी के पास, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं ये लगातार अपने डेप्ट को कम किया है ये कंपनी, तो डेप्ट कंपनी के पास निगलिजिबल है। उसके बाद नीचे चलते हैं, कैश और बैंक बैलेंस 92 करोड़, कैश और बैंक बैलेंस निगलिजिबल है। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं नेट करेंट एसेट 5,000 करोड़ के पास, देखते हैं नेट करेंट एसेट में कितना तेज़ी से उछाल आया है। उसके बाद बुक वैल्यू देखते हैं, बुक वैल्यू क्या होता है, करेंट एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू में देखिए कितना तेजी आया है, मतलब कंपनी के पास जो एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है, तो समझ सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ऐसे स्टॉक जब भी आपको गिरावट में मिलता है तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो हम इसमें जो 5 स्टॉक्स आपको बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, पाँचों जो सेक्टर्स के लीडर स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, निश्चित है कि आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। अगला हमारा स्टॉक है भारतीय एयरटेल। दोस्तों अभी जो आप देखते हैं पैंडमिक सिचुएशन, सारे कंपनियों के बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, लेकिन जो एयरटेल है, जियो है, इसका बिजनेस पूरी तरह से ग्रो हो रहा है। तो समझ सकते हैं ये बिजनेस कभी भी अफेक्टेड होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अब हमारे दैनिक जीवन में जो एसेंटियल आइटम्स है, जो आवश्यक चीज़ें हैं, उसमें आ चुका है। तो देखते हैं एक साल में मतलब ईयर टिल डेट में इसका रिटर्न 20% है, वन ईयर में देखिएगा कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। चलिए वन ईयर में आपको हम दिखा देते हैं, वन ईयर में इसका रिटर्न, वन ईयर में देखते हैं 58% का रिटर्न। तो सारे स्टॉक 58% निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो ये 58% पॉजिटिव रिटर्न मैक्सिमम ईयर में देखिएगा। तो कंपनी देखिए बहुत ही कम परफॉर्म किया है, क्योंकि जियो इसको बहुत ही ज़्यादा मार्केट में टक्कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट में देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म में कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन 3000% के अप्रॉक्स रिटर्न दिया है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट जरूर, क्योंकि ये कई सालों से देख सकते हैं परफॉर्म नहीं किया है, तो अब इसका समय फिर आया है कि ये परफॉर्म करेगा। क्योंकि अगर SGR ड्यूज में रिलीफ नहीं मिलता है तो बोर्ड आइडिया जो है कंपनी वो शट डाउन हो सकती है, तो वैसे में कौन बचेगा, एयरटेल और जियो। साथ ही साथ ये कंपनी का अफ्रीका में भी बिजनेस है, एयरटेल अफ्रीका भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पर, तो इस तरह से समझते हैं ये भी एक MNC कंपनी बन चुका है। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है, गिरावट में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि हमारा भारतीय एयरटेल में कितना मतलब डेप्ट है, क्या है। रिजर्व देख लीजिए 98,000 करोड़,
कंपनी के पास रिजर्व 1,00,000 करोड़ का रिजर्व ही है कंपनी के पास। बहुत सारे कंपनी का वैल्यूएशन भी इतना नहीं होता है। लोन भी देखिएगा, सिक्योर्ड लोन बहुत ही ज़्यादा हाई है, 82,000 करोड़, मतलब 82,000 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के पास। ये डेप्ट रिमूव होना बहुत ही ज़रूरी है। यही कंपनी के पास नेट डेप्ट जैसे रिमूव होता है, कंपनी का वैल्यूएशन और भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस देख सकते हैं, 3,397 कैश और बैंक बैलेंस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो समझ सकते हैं कैश और बैंक बैलेंस रिजर्व कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब देख लेते हैं बुक वैल्यू कंपनी के पास, बुक वैल्यू देखिए कंपनी का डिक्रीज हुआ है क्योंकि जो डेप्ट है कंपनी का वो इंक्रीज हुआ है। तो नेट डेप्ट देख सकते हैं माइनस में है, नेट करेंट एसेट माइनस में निगेटिव में है 17,000। तो ये कंपनी के पास एक निगेटिव चीज़ है जो कि एजीआर ड्यूज बढ़ने के कारण हुआ है। तो एजीआर ड्यूज में रिलीफ मिलता है तो कंपनी निश्चित है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं अगला शेयर के, अगला शेयर है हमारा एचयूएल। हर कोई जानता है एचयूएल जो अभी एफएमसीजी सेक्टर का लीडिंग स्टॉक्स है, और इसका रिटर्न देखिएगा ईयर टिल डेट में, इसका रिटर्न यहाँ से देखते हैं, ईयर टिल डेट में इसका रिटर्न 7% का, वन ईयर में इसका रिटर्न देखिएगा, वन ईयर में इसका रिटर्न है देख सकते हैं 15% का, फाइव ईयर्स में तो इसका चार्ट ही आपको बता रहा है कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होगा। फाइव ईयर्स में देख सकते हैं 133%, मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो मैक्सिमम ईयर में चार्ट ही देख करके आप बता सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न है इस कंपनी का, देखते हैं 1150%। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अभी एफएमसी सेक्टर का लीडर कंपनी बन चुका है, आगे और भी ये आउट परफॉर्म कर सकता है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन कंपनी है ये, और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो लक साबुन हो गया, डव साबुन हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, तो इसके जितने प्रोडक्ट आप काउंट करेंगे काउंट नहीं कर पाएंगे, फेयर एंड लवली हो गया, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो इसलिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अपने सेक्टर का मतलब लीडिंग कंपनी है रिटेल सेक्टर का। तो अब हम इसके आगे हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है। बैलेंस शीट बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि ये कंपनी हम पहले से आप भी डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो डेप्ट वाली कंपनी है, तो ऐसे कंपनी में तो आपको जरूर ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। चलिए हम मार्च 2020 का अपडेट है सब चीज़ यहाँ पर देखते हैं, मार्च 2020। तो कंपनी के पास रिजर्व पहले देख लीजिए 7,815 करोड़ रिजर्व बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के पास। देखते हैं लोन 0,0, कंपनी के पास कभी कोई लोन है ही नहीं इस कंपनी के पास, तो आपने देख लिया लोन डेप्ट 0 है कंपनी के पास, कोई सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन कोई भी लोन नहीं है, कैश बैंक बैलेंस 5,000, 7,000 रिजर्व था, 12,000 करोड़ का देख सकते हैं कंपनी के पास, बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपनी के पास कैश है अभी। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं नेट करेंट असेट काफ़ी ज़्यादा जंप किया है, देख सकते हैं 962 करोड़, और कंपनी का बुक वैल्यू काफ़ी देख सकते हैं 2.2 देखते हैं यहाँ से 2 करोड़ से इंक्रीज़ हुआ है डायरेक्ट कंपनी का बुक वैल्यू। तो सारी चीज़ कंपनी के जो है फेवर में है, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक्स लगातार जो है लगातार परफॉर्म करते जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए पांचवें स्टॉक पे चलते हैं, पांचवा स्टॉक्स या तो आप सन फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फार्मा सेक्टर देखते हैं कि 2015 से ही अंडर परफॉर्म था, या तो लुपिन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लुपिन देखते हैं सारे स्टॉक फार्मा के सारे स्टॉक 2015 से ही अंडर परफॉर्म था, तो यहाँ से फार्मा का स्टॉक्स जो है वो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आप चाहें तो फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लुपिन है, सन फार्मा है, फार्मा सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर रेड्डीज लेब है, एबेटो इंडिया है, एबेटो इंडिया जो कि कभी आप उसको नीचे आते देखे ही नहीं होंगे, देख सकते हैं 2015 से ही सारे स्टॉक्स अंडर परफॉर्म है, लेकिन आपको एबेटो इंडिया ये सब स्टॉक्स कभी आपको अंडर परफॉर्म करते दिखेंगे ही नहीं, तो ऐसे स्टॉक में आप जरूर इन्वेस्ट करें। तो चलिए लुपिन का हम बैलेंस शीट देख लेते हैं कि लुपिन पे कितना डेप्ट है। तो यहाँ हम आगे हैं लुपिन का डेप्ट देखेंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, देख सकते हैं मार्च 2020 तक अपडेटेड है हर चीज़। तो यहाँ पर रिजर्व देख लीजिए 17,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। उसके बाद चलते हैं सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन देख सकते हैं निग्लिजिबल है, तो कंपनी के पास डेप्ट जो है लगभग 0 है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे कैश और बैंक बैलेंस 1300
यहाँ पर देखते हैं 1300 करोड़, 1300 करोड़, 17000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। देख सकते हैं कंपनी के पास नेट करेंट एसेट देखते हैं 5686 करोड़, तो बहुत ही बेहतरीन बैलेंस शीट है कंपनी का। उसके बाद बुक वैल्यू देखेगा तो बुक वैल्यू कंपनी का यहाँ से देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है, कभी भी अफेक्टेड नहीं है। तो समझ सकते हैं लुपिन एक बेहतरीन स्टॉक्स है। फार्मा सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हमने आपको एक बता दिया, दो बता दिया, आपको जो अच्छा स्टॉक्स लगता है फार्मा में, क्योंकि फार्मा में डिफरेंट तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आपको जो अच्छा स्टॉक्स लगता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर आने वाले समय में हो सकता है कि आउट परफॉर्म करे। एयरटेल आने वाले समय में हो सकता है आउट परफॉर्म करे, और जो कहा जाता है कि आने वाले समय में मेटल सेक्टर भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स थे, मतलब ये पांच स्टॉक्स थे जो आपको गिरावट वाले मार्केट में ज़रूर बाय करनी चाहिए, क्योंकि गिरावट में जो करेक्शन पे आपको स्टॉक्स मिलेंगे तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, क्योंकि चीप वैल्यू पर, सस्ते वैल्यूशन पर आपको स्टॉक्स मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलते हैं, जिसमें हम आपको फ्री में अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी सजेस्ट करते हैं, और पैनी स्टॉक्स के बारे में अलर्ट भी करते हैं कि बहुत सारे पैनी स्टॉक के बारे में जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर जो लगातार सर्च करते हैं उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।